जिला टास्क फोर्स की बैठक जिला विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी, एडिशनल सीएमओ डॉक्टर आई वी विश्वकर्मा, डीआईओ एस ज्ञानेंद्र सिंह, बीएसए बीएन सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में 7 से 14 अप्रैल तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान की सफलता की रणनीति तैयार की गई। बैठक में डीडीओ अनिल सिंह ने कहा कि पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए अलग से प्रयास करना होगा। अभियान की सफलता के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बूथों पर ही ड्राफ्ट पिलाने की जरूरत है। उसके बाद बस स्टेशनों, ईंट भट्टों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर टीम गठित करके उन्हें पोलियो की ड्राफ्ट पिलाई जाए, जिससे एक भी मरीज पोलियो के ना मिले, जिले को पोलियो मुक्त जिला बनाया जा सके। उसके सुधार के लिए क्या प्रयास करना, इस पर चर्चा की जाए तो ज़्यादा रहते हैं। डायग्राम तो सबके पास होगा, लाइकनेस थी, मैंने बताया कि मेरा इस कार्यक्रम में बड़ा रुचि था। मैंने देखा है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी संपर्कों की चिंता की कमी हो सकती है। हम इसको रूटीन डे का काम समझ के कर रहे हैं और थोड़ा सा अगर इसमें संवेदन क्षमता बढ़ जाए, ये परेशानी है। और कहाँ गलत हो रही, तो क्या इतना समय हम नहीं दे सकते उस टीम के साथ, अपना एक विश्वासी आदमी अलग से लगा दीजिए। हम उसे इतना कहना चाहते, ऐसा सुधार नहीं होगा। या तो जो नहीं सुधरता है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, या अगर वो क्या कहते हैं, आपको लगता है कि दंड लेने से उसको ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो उसके साथ एक अपना बंदा लगाइए, एक अपना आदमी लगाइए जो उस पर वॉच करे, और क्या कहते हैं उनको जहाँ गलती करे वहीं उनको सुधारने का प्रयास करें। वैसे क्या कहते हैं कि उनको हम रिप्लेस कर दें, देखो फैसिलिटेटर तो उसको रिप्लेस कर किया जा सकता है। इनको लिखा जा सकता है कि साहब इनके नाते ये हानियाँ हुई हैं और ये हानियाँ होने की संभावना, उसके खिलाफ कार्रवाई। मेरा इस पर फोकस है और अगर ऐसा कर लेते हैं शुरू होने से पहले बहुत अच्छी बात। आप देखिएगा कि रिजल्ट अब की बात बेहतर है। आपका बूथ टू बूथ बूथ का मास्टर प्लान बन ही गया है, डोर का डोर का बन गया है, उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, उसमें यही होगा कि मौके पर जो कुछ एबसेंटी होंगे उनको रिप्लेस करना होंगे। हम लोग पहले तो हम लोग यही कराते थे कि रोज दिन लोअर टूंगी और क्या कहते हैं पंजीरी बटना, तो बहुत आदमी भी होता है सब क्योंकि हम लोगों को शुरुआती दौर से ही सिखाया गया था कि क्या साहब जो बूथ वाले डे पे जो बच्चे टूटे हैं उसकी क्वालिटी बेहतर है, क्योंकि जब हमारी लोग डोर जाती हैं तो पता लगा सी सी हाथ में पकड़ी है तो वायर जिसमें दवा होती है आपकी पकड़े हैं तो गर्म हो गई, बेकार हो गई, दो पैसे की हो गई। और कोई इतना ध्यान नहीं देता ना गर्मी के महीने में कि क्या कहते हैं भाई और इसको हम लोग पॉपुलराइज नहीं करते कि उसमें बढ़िया डोज मिलेगी या अच्छी दवा मिलेगी और आपके घर जाएंगे तो खराब नहीं। ये तो करना नहीं है, तो हम आपस की बात होता है। अगर मान लीजिए किसी ने आपकी 10 खराब कर दिया शीशियाँ, पता ही लगा कि वो डॉक्टर साहब पूछे पता लगा किसी को निकाल फर्नीचर की तरीके से कुछ दिन में आप उसको सर में महसूस करते हो कि हमारे घर में उसको पीछे करने से कर दी जाना है। अदरवाइज हमारे जैसे कि बगल वाले कंट्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान, एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक शुरुआती दौर था तो एक बूथ टीम को लोगों ने कैप्चर कर लिया था, उसको अगवा कर लिया और कारण क्या था कि डीएम साहब ने उसके बंदूक का आज़ाद सेना नाम के थे उसके आज़ाद उसके रिन्यूअल नहीं किया, तो उसमें कई सवाल उठे थे। हम लोगों ने पूरा रिसर्च किया था, उसमें ये भी एक सवाल था कि भाई अमेरिका, उसमें ये दिमाग में था कि शायद अब तो अपने आए दवा बनने लगी, पहले अमेरिका वगैरह शादी थी कि अमेरिका भारत का हितैषी कैसे हो गया कि जो सोच रहा है कि यहाँ हर बच्चा स्वस्थ। तो हम लोगों ने उसमें आंसर ये दिया था कि वो
हमारा हित ऐसी नहीं है, इंडिया का आदमी पूरे संसार में जाता रहता है, पता लगा कि एक वायरस लेके चला गया तो उनका सारा किया धरा है, इसीलिए सर ये चल ही रही है। ये कर रहे हैं वो इसी के हम लोग भी विजिट कर रहे हैं, जो हम कर चुके हैं। अगर बार बार हमको ये दिखाया जाए साहब कि हम अपनी गलती नहीं सुधार रहे हैं तो इस मीटिंग से कोई लाभ नहीं। अगली बार है कि अभी कहाँ कहाँ आप नए भी नहीं होते, अगर कोई नया सुपरवाइजर हो, नया सुपरवाइजर को नई टीम अगर मिले की है तो मान लेते हैं भाई जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं अच्छे खासे हमको इंसान है। मैंने जैसे कहा कि आदमी कभी कस नौका गोली लोगों को याद करता है, भगवान को याद करता है। और दूसरा कहा भी जाता है कि डॉक्टर हमारा दूसरा भगवान है, जीवन दान देने वाला है। बिहार का एक दो परिवार किसी कमरे में रहना और टीम गई और उसका वायरल वायरल नहीं है तो वो जहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर एरिया है वहाँ घुस के देखें भाई कोई परिवार नहीं रहता है तो ये लोगों को ट्रेनिंग में बताई जाती है। और ये इसी से मेरा कहने का मतलब इतनी देर से मैं यही चीज कह रहा हूँ, हम लोग बहुत ट्रेनिंग एक्टिविटी पर थोड़ा फोकस किया ट्रेनिंग एक्टिविटी।